आपने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात तो सुनी, जिन्होंने बीजेपी नेता की हत्या के पीछे पीएफआई का हाथ होने के सवाल पर कहा कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है क्या और इस संगठन का अस्तित्व देश में कितना है, और हर बार इस तरह की हत्या में, इस तरह की घटना में उसी का नाम क्यों आता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का जन्म 17 फरवरी 2007 को हुआ था। यह संगठन दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में उनका संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार बहुत तेजी से हुआ और कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी मजबूत पकड़ है। लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में हिंसा की घटनाओं में पीएफआई का नाम सामने आ रहा है और हाल ही में पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकवादियों की गिरफ्तारी से पीएफआई के मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। इसी साल राजस्थान के कोटा में भी कर्नाटक हिजाब मामले में एक यूनिटी मार्च निकाला गया था। हिजाब मामले के जरिए एक धर्म विशेष को भड़काने के लिए पीएफआई ने राज्य में अपनी सक्रियता का इस्तेमाल किया और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। 2 साल पहले दिल्ली दंगों की साजिश में भी इसी पीएफआई का नाम आया था और 5 अक्टूबर 2020 को यूपी पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को पकड़ा था जिन पर शक था कि वो राज्य का माहौल खराब कर सकते हैं। दिसंबर 2019 में भी यूपी पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में पीएफआई के 16 लोगों को पकड़ा था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में हिंसा भड़काने की साजिश पीएफआई के यूपी के चीफ ने रची थी और अक्सर पीएफआई को सिमी का ही एक नया बदला हुआ रूप माना जाता है। 1977 से हमारे देश में सक्रिय सिमी पर वर्ष 2006 में प्रतिबंध लगा था। सिमी पर प्रतिबंध लगने के चंद महीनों के बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आ गया और कहा जाता है कि संगठन के काम करने का तरीका बिल्कुल सिमी जैसा है। 2012 से ही अलग अलग मौकों पर इस संगठन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए कई बार इसे बैन करने की मांग हो चुकी है और आज हम भी आप सबके सामने और आप सबके साथ मिलकर ये मांग करते हैं कि इस संगठन पर बैन लगना चाहिए। यहां बात हिंदू मुसलमान की बिल्कुल नहीं है, बात इंसान की है। यहां हम ये भी साफ करना चाहते हैं कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम सत्य को ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने रख रहे हैं। हमें लगता है कि देश में किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने और ऐसे खुलेआम हत्या करने का अधिकार नहीं हो सकता। किसी बात या किसी विचार से नाराजगी है तो उसके समाधान के लिए हमारे देश में अदालतें हैं। भारत की पूरी न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबरी के साथ उपलब्ध है। उन अदालतों में कोई भी जा सकता है, उन पुलिस स्टेशन में कोई भी जा सकता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर हमारे देश में अजमल कसाब को अदालतों के जरिए न्याय मिल सकता है, अदालतों के जरिए ही उसे सजा दी गई, तो फिर क्या बाकी के जो नागरिक हैं उनका ये हक नहीं है। अब आपसे एक सवाल, वो हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अब सोशल वो समय आ गया है कि जब आप सोशल मीडिया पर चाहे सच लिखें या झूठ लिखें, चाहे आप अपनी भावनाओं को जाहिर करें, लेकिन सावधानी से करिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी बात लिख दी जो आपके हिसाब से तो सही है लेकिन कुछ लोगों को गलत लग रही है, तो आपका हाल भी ऐसा ही हो सकता है जैसा आज कर्नाटक के इस युवा का हुआ है। इसलिए संभल कर चलने वाली बात है और बहुत दुखद बात है कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं रुकने की बजाय अब और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है।